नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बता दें कि हम लोग पहुंच चुके हैं सिवान शहर, सिवान सिटी में, लक्ष्मीपुर ढाला के पास, जो लक्ष्मीपुर मोहल्ला है, लक्ष्मी मोहल्ला में आ चुके हैं। और यहाँ पे एक प्रत्याशी है जो उप सभापति प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो रहे हैं और आज इस क्षेत्र का दौरा किए हैं। ये पहले 27 नंबर वार्ड था, अब ये 42 वार्ड हो चुका है। आइए बात करते हैं कि यहाँ का जो समस्या है, विगत कई सालों से बना हुआ है, पानी की समस्या है। जो रोड के बीचों बीच पानी लगा हुआ है, कई लोग गिर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में भी। सबसे पहले क्या कुछ कहेंगे सर, आप इस बार उप सभापति प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो रहा है और चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं अभी आया हुआ हूँ, अभी चुनाव प्रचार के लिए ही, अपना लोगों की समस्याओं को भी देखना है। उसी क्रम में मैं आया हुआ हूँ इस समय लक्ष्मीपुर में, जो कि पहले वार्ड नंबर 27 और 42 हो गया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी समस्याएँ मुझे दिख रही हैं। यहाँ के लोगों से भी मैंने बात करी तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर नाली की समस्या है। रोड तो बना हुआ है लेकिन पानी चारों तरफ भरा हुआ है नाली ना होने की वजह से। और अभी तो दो तीन बार बरसात हुई है और आप सभी लोग देख ही रहे होंगे कि कितना यहाँ पे पानी लगा हुआ है। बरसात का दिन स्टार्ट हो गया है, यानी कि अभी ये जुलाई स्टार्ट हो गया है, आज 3 तारीख है। तो आपने क्या सोचा है कि किस तरह से आप एक बड़ा परिवर्तन करेंगे सिवान के शहर के लिए, सिवान शहर के लिए? जो भी मूलभूत चीज़ें हैं, अगर हम यही अगर नहीं सुधार पा रहे हैं तो फिर बड़ा क्या काम क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो जो मूलभूत, जो एक जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं, तो सड़क, बिजली, पानी, यही तो सबसे मूलभूत चीज़ है। अगर ये अगर हम सिवान जिला भ्रष्टाचार में लिप्त है जी, क्या कहेंगे अगर आपको जनता चुनती है? ये बिल्कुल लिप्त है, तभी तो इस तरह का काम हो रहा है यहाँ पे। अगर अभी 5 साल पहले भी अभी रहा है, चेयरमैन रहे होंगे या वाइस चेयरमैन रहे होंगे, तो वो लोग वार्ड पहले से था ही है, उसके बावजूद भी इस तरह का चीज़ हो रहा है और लगातार हो रहा है। अभी इस पर कुछ नहीं किया गया है, तो कुछ थोड़ा बहुत भी तो करना चाहिए था, नहीं तो ऐसे आपको पानी नहीं दिखाई देता यहाँ पे। इस तरह रोड पे डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों जी से मिल रहे हैं, मुख्य जटिल समस्या क्या देख पा रहे हैं? अब यही बेसिक चीज़ें, सबसे अगर देखा है तो बेसिक चीज़ें यही सब है। रोड है, नाली है, कूड़ा फेंकने के लिए कहीं जगह नहीं है, या जिसको जहाँ मन आ रहा वहीं फेंक दे रहा है कूड़ा। अभी अपना सिवान शहर अभी आप देखें होंगे अभी 4th नंबर पर है, सबसे मतलब प्रदूषित शहरों में इंडिया में टॉप 10 में हम भी 4th स्थान पे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तभी तो 4th नंबर पे हैं, जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं हमारे शहर में। सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज यहीं पर मतलब सिवान में ही है, तो उसके लिए कुछ करना होगा। काफ़ी वक्त है जी, लेकिन आप डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल पा रहे हैं जी, सबसे कुछ अपील कीजिएगा जी। हम घूम रहे हैं कि समस्याओं को भी जानना है लोगों के, और अपना प्रचार भी करना है। लोग हमको भी जानेंगे तभी हमको समझेंगे, जानेंगे तभी तो वोट देंगे। और उनको हम ये भरोसा दिला रहे हैं कि मैं जब जीत के आऊँगा तो आपके लिए सारा जो भी वर्क है वो सब मैं करूँगा। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव जीतने से पहले बड़े बड़े वादे की जाती है, लेकिन तुरंत जीतने के बाद से वैसे खड़े नहीं उतर पाते हैं। जो भी जीते पहले, देखिए चुनाव होता था पहले वार्ड पार्षद लोग मिलकर चुनते थे, तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो वहीं हो गया कि पैसे से खरीद फरोख्त होती थी। अब लेकिन डायरेक्ट जनता को चुनना है, तो जनता को अगर चुनना है तो वो सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं। अगर आप 5 साल का वक्त है, 5 साल हमको काम करने के लिए दिया जा रहा है, कि समझिए नौकरी है जनता के लिए। अगर जीत के आते हैं तो यही करना है, काम ही करना है। ये समस्या दिख रहा है आपको? जी एकदम दिख रहा है। समस्या के बारे में क्या कहिएगा? ये अभी समस्या देखिए, सबसे जटिल समस्या है, एक है ये तो अभी ये अंदर जाएंगे तो और भी लगा हुआ है। थोड़ा सा देखिए, आप देखिए यहाँ से, आपके साथ में काफ़ी लोग हैं, ये यहाँ से लंबा दिख रहा है और यहाँ गाड़ी भी खड़ी है अभी इन लोगों के, तो ये कहीं ना कहीं बीच में पानी लगा हुआ है और गड्ढा भी है। तो पहली बार जो आएगा ये पूछते हैं सर, क्या कुछ चाहेंगे सर? आइए यहाँ से पूछते हैं, क्या था है? बहुत दिन से पानी लगा हुआ, पूरा रास्ता खराब है, बहुत परेशानी बीत रहे हैं यहाँ पर। ये प्रत्याशी आए हुए हैं जी, उप सभापति प्रत्याशी है, क्या अपील करेंगे इनसे कि अगर जीतते हैं तो किस तरह से ये काम करेंगे? जीतेंगे तो अच्छा काम कराएंगे, आप लोग मांग करेंगे? हाँ करेंगे। तो काफी समस्या होता है, लोग गिर भी जाते हैं, गिर भी जाते हैं, पहली बार कोई आएगा तो गड्ढा भी बीच गिर जाते हैं, हम लोग आते जाते हैं तो देखते रहते हैं, हाँ गिर जाते हैं। तो समस्या तो काफी है, हाँ बहुत, पानी गिरने का समस्या काफी है, काफी है, पानी गिरता है नाला के सीधा रोड पे ही, जबकि ये बहुत सालों से बना हुआ है। तो किस तरह से अपील करेंगे? आइए ये देखिए सर, जो ये आपको पानी लगा हुआ है, कहीं ना कहीं ये मतलब जटिल समस्या है, लोग आ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, यहाँ पे नाला बना ही नहीं, तो समस्या तो है, तो उसको पूरा करने की, उसको मतलब सुधारने की का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो इस क्षेत्र की जनता पे भरोसा करेगी? जी बिल्कुल करेगी,
मैं उसी भरोसे के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। डोर टू डोर क्या रहा है? डोर टू डोर में घूम रहा हूँ। लक्ष्मी बुढ़ाला के पास पूरे घूमे हुए हैं इस मोहल्ला में, तो लोगों का रिस्पांस क्या मिला है? बढ़िया रिस्पांस है। क्या कहा? अपनी समस्या उन्होंने बताई और मैंने भरोसा दिलाया कि मैं अगर जीत के आता हूँ तो मैं आपके सारे काम करूँगा, जो भी आपकी जो यहाँ पे समस्याएं हैं वो सारा कुछ किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।